हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट पैराग्राफ 12.3 फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था कि मेल एंड फीमेल जैमेट्स जब फ्यूज होते हैं, एक दूसरे से प्रोसेस करते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, और इस प्रोसेस में जायगोट सेल बनता है और फिर वो जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो का रूप लेता है। और फिर इससे आगे की प्रोसेस स्टूडेंट की फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन बनने स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट में, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू ए फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑफ द फ्रूट इज द रिपेंट ओवरी द सीड डेवलप फ्रॉम द ओवल्स द सीड कंटेन्स एंड एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट। कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है स्टूडेंट, कि ओवरी पार्ट जो है वह फ्रूट में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और फ्लावर के दूसरे पार्ट फॉल ऑफ गिर जाते हैं और फ्रूट धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो जाएगा, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और ओवल्स के अंदर सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट फिगर 12.12 ए एंड बी। कि कुछ फ्रूट स्टैंड फ्लैशी यानी कि गुद्देदार होते हैं, जूसी होते हैं जैसे मैंगो एंड ऑरेंज हैं, बट कुछ फ्रूट से आलमंड और वॉलनट की तरह हार्ड होते हैं जैसे फिगर ए एंड बी में हम देख सकते हैं। दिस इज पल्पी फ्रूट है, एप्पल है, और दिस इज हार्ड सीड कोटेड फ्रूट है, आलमंड है। तो स्टूडेंट, फ्रूट और सीड्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, पैराग्राफ 12.4 सीड डिस्पर्सल। कि सीड वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर किस तरह से चले जाते हैं इस बारे में स्टडी करेंगे। इन नेचर सम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेज। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेज। Sometimes after a walk through a forest or a field or park, you may have found seeds or fruits sticking to your clothes. कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट, जब हम किसी पार्क में, फॉरेस्ट में वॉक करने जाते हैं तो हमारे क्लोथ्स के साथ कुछ सीड्स या फ्रूट्स के पार्ट्स स्टिक हो जाते हैं। तो ये नेचर ने बनाया है कि नेचर ने जो प्लांट ग्रो किए हैं अपने आप डिफरेंट प्लेसेस पर, ये इसी कार वजह से डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं। कि सीड जो है डिस्पर्स्ड हो जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, यानी कि बिखर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे क्लोथ्स के साथ चिपक गए थे। हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ हमारे क्लोथ्स से वो गिर जाते हैं, तो उस जगह पर न्यू प्लांट ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसे ही सीड डिस्पर्सल कहा जाता है स्टूडेंट। सीड डिस्पर्सल के और भी कई रीजन हैं। Did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes? कि ये सीड हमारे क्लोथ्स के साथ कैसे चिपक जाते हैं, क्या आपने कभी इस बात को ऑब्जर्व किया स्टूडेंट? क्योंकि वो हमारे क्लोथ्स के साथ स्टूडेंट कैसे चिपक जाते हैं सीड्स, जब हम बैठते हैं घास में या कहीं और ट्रीज के नीचे, तो वो सीड्स हमारे क्लोथ्स के साथ स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ सीड्स हेयर स्टाइल के हैं, कुछ सीड्स चिपके गुद्देदार फ्रूट्स में से निकले हैं जो वो चिपक जाते हैं इस वजह से। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। कि क्या होगा स्टूडेंट, अगर प्लांट की सभी सीड एक ही जगह पर गिर जाए, यानी सीड स्पर्स ही ना हो, तब क्या हो सकता है, क्या वो ग्रो करेंगे? नो, एक प्लेस पर गिरेंगे तो स्टूडेंट सभी सीड ग्रो नहीं कर पाएंगे। देयर वुड बी सब कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल, स्पेस। एज ए रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। कि हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर सभी सीड एक ही प्लेस पर गिरेंगे, तो उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा किसके लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए, स्पेस के लिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें सीड को जर्मिनेट होने के लिए चाहिए। तो प्लांट्स को बेनिफिट कब मिलेगा, जब सीड डिस्पर्सल होंगे,
यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाएंगे, बिखर जाएंगे, तभी प्लांट्स को बेनिफिट मिलेगा। इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। इट आल्सो एनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्पर्शन की वजह से स्टूडेंट कंपटीशन कम होगा उनमें, सभी को सनलाइट वाटर मिनरल्स मिल पाएंगे और उन प्लांट्स को एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, यानी कि दूसरे एरिया में भी जाने का मौका मिल जाएगा, उन्हें एक न्यू हैबिटेट मिल जाएगा। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स, कि इनकी वजह से भी सीड डिस्पर्सल होता है। विंग्ड सीड सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल, फिगर 12.13A and B। लाइट, ये सीड स्टूडेंट लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, जो फिगर 12.13 में दिखाए गए, इनके विंग्स हैं जिसकी वजह से ये विंड की हेल्प से आसानी से उड़ जाते हैं और दूसरे प्लेस पर पहुंच जाते हैं, कि लाइट होते हैं। लाइट सीड्स ऑफ ए ग्रासेज और हेरी सीड्स ऑफ आर्क, जिसे मदार प्लांट भी कहते हैं, हेरी फ्रूट्स ऑफ हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, फिगर 12.14A and B में सनफ्लावर के सीड दिखाए गए कि जो कि हेरी होते हैं, गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेज। सम सीड आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइबर्स, कि स्पंजी होने की वजह से वाटर पे इजिली फ्लोट कर जाते हैं कुछ सीड, और इस तरह से सीड डिस्पर्सल होता है वाटर की हेल्प से। फाइबर्स आउटर कोट एज इन कोकोनट, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद अ हुक विच गेट अटैच टू द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड आर कैरिड टू डिस्टेंट प्लेसेज। एग्जाम्पल आर एंथियम एंड यूरेना, कि कुछ प्लांट्स के जो सीड होते हैं स्टूडेंट, वो एनिमल्स की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और एनिमल जब दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर वो सीड नीचे गिर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। फिगर 12.14 में देख सकते हैं, द हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेरी सीड ऑफ मदार, यानी आक का प्लांट जो होता है, और 12.15 में एंथियम प्लांट्स के सीड दिखाए गए हैं, जिसमें हुक से बने दिखाई दे रहे हैं, जो ताकि जो एनिमल्स की बॉडी से इजिली चिप स्टिक हो जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स ब्रश्ड विद सडन जर्क, द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो अपने आप बरस्ट यानी फूट जाते हैं, उनमें से सीड्स निकल जाएंगे, बिखर जाएंगे इधर उधर, और वो न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट सीड डिस्पर्स्ड की हेल्प से न्यू प्लांट अपने एक न्यू हैबिटेट को अपना लेते हैं और वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। वट यू हैव लर्नड को आपने ज़रूर रीड कर लेना है एक बार अपने आप, ये कंप्लीट चैप्टर की आपको रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स की लिस्ट दी गई है, कीवर्ड्स की डेफिनेशन को समझेंगे। ओके स्टूडेंट, आज आपको वट यू हैव लर्नड को भी रिवाइज करना है चैप्टर को, ताकि कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।